हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज हम लोग 11 क्लास का अब्बो प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लें ऑर्बिटल, ऑर्बिटल द टू डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन इट, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल एन, वेयर एन इज द नेचुरल नंबर। इफ एन इक्वल टू वन देन इट इज कॉल्ड के सेल, एन इज इक्वल टू टू देन इट इज कॉल्ड एल सेल, एन इक्वल टू थ्री एम सेल, फोर एल सेल और सो ऑन, एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। ओके, द टू डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, द टू डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन इट, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज टू एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ एन इक्वल टू फोर, टू इंटू फोर स्क्वायर, इट मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इफ एन इक्वल टू थ्री देन 18, एन इक्वल टू टू इट मीन्स 8, एन इक्वल टू वन इट मीन्स टू, टू एट 18, 32, 32 रेशियो ये जाते रहेगा। ये हो गया आपका ये हो गया ऑर्बिट, ऑर्बिटल नोट, ऑर्बिट हम लोग क्या किए, ऑर्बिट और सेल किए। ठीक है, ऑर्बिट और सेल किए, ऑर्बिटल नहीं किए। ठीक है, अब आता है ऑर्बिटल, अब आ रहा है ऑर्बिटल और सब सेल। इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल एल। द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल एल, वेयर द वैल्यू ऑफ एल गोज टू 0 to n-1, वैल्यू ऑफ एल गोज टू 0 to n-1। 0 to n-1 मीन्स if n equal to 1 then l equal to this one put here 1 minus 1 0, if n equal to 2 l equal to 2 put here 2 minus 1 1, 0 to 1 it means 0 to 1, if n equal to 3 then l equal to 3 put here 3 minus 1 2, 0 to 2 0 1 and 2, if n is equal to 4 l equal to 4 put here 4 minus 1 3, 0 to 3 so 0 1 2 and 3, this is orbit and this is orbital. Okay, if l equal to 0 then it is called s orbital, if l is equal to 1 then it is called p orbital, l equal to 2 that is called d orbital, l is equal to 3 that is called f orbital.
ओके, इफ एन इज इक्वल टू 5 देन एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3 and 4. इट मीन्स एस पी डी एफ एंड जी ऑर्बिटल. ओके, ऑल ऑफ यू राइट देयर. द एस स्टैंड फॉर शार्फ एंड पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल एंड जी स्टैंड फॉर ग्राउंड एंड सो ऑन. ओके, ऑल ऑफ यू राइट देयर. ओके, वेरी गुड. सो हियर नोट, वी राइट हियर नोट, फर्स्ट नोट. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 4L plus 2. We know from the orbitals definition, if L equal to 0, 1, 2 and 3, then it stands for S, P, D and F. All of you remember this. What is the maximum number of electron in S orbital? So, in S orbital, 4 into the value of a small l for S orbital is 0 plus 2, so here 2. Maximum number of electron in P orbital. What is the value of L for P orbital? 1. 4 into 1 plus 2, it means 6. D orbital. What is the value of D for S orbital? L equal to 2 for D orbital. So can put here. This is the main formula. 4 into 2 plus 2 equal to 10. F orbital. The value of F orbital is 3 for a small l. So 3 put here. The 4 into 3 plus 2. So what is the value? 14. It means S orbital having only 2 electrons, P orbitals having 6 electrons, D orbitals having 10 electrons, and F orbitals having 14 electrons. Okay. If you put G orbital, then we put here G orbital 4. So maximum electron for G orbital is 4 into 4 plus 2, 18. Okay, all of you write there. This is the note number 1. The maximum number of electrons in an orbital is 4L plus 2. Okay, all of you write. Very good. Note number 2. Maximum number of suborbital or box in an orbital or subshell is 2L plus 1. Okay. We know, all of you know about L equal to 0, 1, 2, 3. When L equal to 0, that is represented by S orbital 1, P, 2, D, 3 and F. Okay. So, what is the maximum number of suborbital for S orbital? 2 into 0 plus 1, it means 1. For P orbital, 2 into 1 plus 1, 3.
d orbital 2 into 2 plus 1, it means 5, 4f orbital 2 into 3 plus 1, it means 7. So s orbital has only s one box, p orbital has only 3 box, d orbital got 5 box, 1, 2, 3, 4 and 5, f orbital 7 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. How many electrons in s orbital? 2. So we put here 1 and 1, 2 clockwise and anticlockwise direction. 6 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D orbital, 10 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. F orbital, 14 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, clockwise direction. First we fill clockwise, then we fill anticlockwise direction. This is the accordance with Hund's rule. I explain later. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, second, singly pair. Then pairing start with opposite spin. Opposite spin. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Note number 2. All of you write this. All of you write this. Okay. No any problem? Okay. Then we start above principle, electronic configuration. What do you mean by electronic configuration? This is the important factor, electronic configuration. Electronic configuration. Okay, electronic configuration. The distribution of electron in the increasing order of energy level in an atom is called electronic configuration. The distribution of an electron in the increasing order of energy level in an atom is called electronic configuration. समझ में आया? यानी कि किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? उस डिस्ट्रीब्यूशन को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोला जाता है. सपोज दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20, इट मींस इट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 और एटॉमिक मास इज 40. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 20. हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 20. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 40 माइनस 20, 20. सो हियर 20 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कैल्शियम एटम. हाउ विल यू एक्सप्लेन 11th number of electrons are situated? How can you determine where the 15th number of electrons situated, in which orbit? So distribution of electron in an atom in the increasing order of orbit is called electronic configuration. It means डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको इलेक्ट्रॉन को. डिस्ट्रीब्यूट कर, सपोज करो मान लो SN है तो SN का एटॉमिक नंबर कितना है? 50 है. तो उसमें 50 इलेक्ट्रॉन होगा तो 50 इलेक्ट्रॉन्स को आखिर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना. तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ये चीज़ को ही हम लोग को सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में. जैसे मान लो आपके यहाँ पार्टी है और उस पार्टी में कम से कम 1000 पब्लिक का आना है और आपने फूड का अरेंजमेंट कर चुका है, फूड का अरेंजमेंट कर चुका है, जो भी आपके फूड में अवेलेबल है सब अरेंजमेंट कर लिया है. अब क्या है कि 1000 जो भी हैं वो आएंगे तो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बना होगा, तब ना वो सब लोग अपना अपना जो भी है वो लेंगे और लेकर घर जाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है तो वहाँ मारधाड़ होगा, दंगा फसाद होगा,
ठीक है, कोई गुपचुप वाला स्टॉल पे मारामारी करेगा, कोई चौमिंग वाला स्टॉल पे मारामारी करेगा, कोई टू व्हीलर के स्टॉल पे मारामारी करेगा, कोई फोर व्हीलर के स्टॉल पे मारामारी करेगा, कहीं आइसक्रीम के लिए मारामारी होगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, एटॉमिक नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हम लोग को क्या करना है कि एटॉमिक नंबर जिसका जितना है हम लोग को सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लेना है और उस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ऑर्बिट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये कोई ऐसा रूल नहीं है जिस रूल से आप कर सकते हैं, एक रूल बना हुआ है जिस रूल का नाम है अफबो प्रिंसिपल। हम लोग उसी रूल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, अफबो प्रिंसिपल। तो ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, समझ में आ गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना कैसे है, तो वो बता रहा है अफबो प्रिंसिपल। अब वही अफबो प्रिंसिपल आपको बोलेगा कि हाँ जी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखिए, ठीक है। तो हम लोग अफबो प्रिंसिपल को समझे कि अफबो है क्या। तो अफबो प्रिंसिपल को जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए, अफबो प्रिंसिपल। देखो ये क्या है, अफबो प्रिंसिपल क्या होता है, तो अफबो जो टर्म होता है ना, ये एक जर्मनी का मुहावरा है, जर्मन प्रिंजिपवर्ट, इट मीन्स अफबो इज ए जर्मन प्रिंजिपवर्ड, इट मीन्स फिल अप और बिल्ड अप, फिल अप और बिल्ड अप, मतलब कि कहीं खाली जगह है उसको भर दो, फिल कर दो, ठीक है। तो भाई एटम है तो उसमें ऑर्बिट है, ऑर्बिट है तो खाली है, उसको इलेक्ट्रॉन से फिल कर दो, ठीक है। तो अफबो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबो क्या है, जर्मनी का एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है खाली जगह को एक एक करके भर देना, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि अफबो क्या हो गया, ठीक है। अब अफबो जो बोला कि खाली जगह को भरना है, तो खाली जगह को किस तरह से भरना है उसको एक्सप्लेन किया बोर ब्यूरी स्कीम। यानी खाली जगह मतलब कहीं से भी तो खाली हो सकता है, आगे से भी खाली हो सकता है, पीछे से भी खाली हो सकता है, ऊपर से भी खाली होता है, नीचे से भी खाली होता है। तो खाली कहाँ से मिलेगा, यानी फर्स्ट हम लोग को खाली जगह खोजना है, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल क्या है, ये पॉइंट आउट है, सबसे पहला बात समझना है कि लोअर एनर्जी लेवल और हायर। तो उसको एक्सप्लेन किया कौन, बोर ब्यूरी स्कीम। देखिए ये एक नया साइंटिस्ट है, मैंने नया क्या, बहुत पुराने साइंटिस्ट है, हम लोग तो आज है, ये लोग 200 साल पहले का बात है, ये लोग 200 साल पहले का, ये लोग नया है पुराना है ये लोग। ये क्या बोले, बोर ब्यूरी स्कीम, इनका पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर ब्यूरी स्कीम भी बोलते हैं और इसी को हम लोग एन प्लस एल रूल भी बोला जाता है, एन प्लस एल रूल के नाम से भी इनको जानते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सर्टिफाइड किए थे कि हाँ आपको कैसे लिखना है, ठीक है, आप समझ गए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप समझिए। अभी मेरा वीडियो जो है ये समझ लो कि फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं, और ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो भी बच्चे इस पैंडेमिक टाइम में अपने घर में है वो कम से कम अपने बेसिक आइडिया को कम से कम यहाँ से ले लें, ठीक है। ऐसे YouTube पर आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है, तो अब बहुत सारा वीडियो है उसमें ये एक और वीडियो जा रहा है, ठीक है, जाएगा। तो आपको कहने का मतलब है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन क्वालिटी अच्छा लगे, अगर लगे कि हाँ आपको हमसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर कुछ लिखिएगा,
ताकि हमको एप्रिसिएशन मिले और हमको लगे कि हाँ हमको और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और हम और वीडियो आपके पास भेजते रहें। ठीक है, तो आप लोग हमको थोड़ा सा साथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना से ज़्यादा शेयर कर लीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए ताकि, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अब हम हर टॉपिक पर वीडियो बनाते जाएंगे, हर टॉपिक पर वीडियो बनेगा। A to Z केमिस्ट्री में एक एक रिएक्शन, एक एक केमिकल इक्वेशन, एक एक कैलकुलेशन, एक एक थ्योरी को हम देते जाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरह का, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा 9334213535। ठीक है, ये मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला, इस पे आपको छा जाना है। ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम लगाएं? बोर ब्यूरी स्कीम। क्या बोलते हैं बोर ब्यूरी स्कीम का? दो रूल है। ठीक है, एक रूल बोलता है कि दोज ऑर्बिटल्स विच हैज मैक्सिमम विच हैज n plus l value r maximum r higher भी लिख सकते हैं, r higher than electron first goes, lower। ठीक है, those orbital which has, यहाँ which has कर दो, थोड़ा सा फिर से हमको ठीक करने दो, don't worry be happy, those orbitals which has n plus l value is minimum। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू दैट ऑर्बिटल्स। ठीक है, n plus l का वैल्यू अगर जिसका जोड़ने से कम आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा, n हो गया ऑर्बिट, l हो गया ऑर्बिटल। सेकेंड रूल क्या बोलता है? इफ टू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n plus l वैल्यू, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू, किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू मिनिमम n वैल्यू। मिनिमम एन वैल्यू यानी कि ऑर्बिट जिसका कम होगा उसी में जाएगा। और ये दोनों रूल, दीज रूल्स आर कॉल्ड बोर ब्यूरी, दीज रूल्स आर कॉल्ड बोर ब्यूरी स्कीम। ठीक है, और एन प्लस एल रूल भी बोलेंगे, ये नोट कीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि बोर ब्यूरी स्कीम में एन प्लस एल रूल अप्लाई कहाँ होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, डोंट वेरी वी हैप्पी। नोट कर लिया सब लोग? वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी रोकने का बात नहीं है, वीडियो रोक लीजिए। ठीक है, अभी हम इसको इरेज करके आपको एन प्लस एल रूल के बारे में क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है मेरा, क्या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ठीक है, हाउ विल यू राइट द केमिकल फार्मूला, ये सब पढ़ेंगे, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारे को हम लोग पढ़ा जाएगा, है ना। तो हम लोग अब बने हुए हैं एन प्लस एल रूल में। तो एन प्लस एल रूल में क्या हम लोग को देना है, देखिए, एन इज द ऑर्बिट, सबको पता है ऑर्बिट का वैल्यू नेचुरल नंबर से जाता है, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, एन और एल इक्वल टू एल ऑर्बिटल एन ऑर्बिट, एल ऑर्बिटल एन ऑर्बिट। ऑर्बिटल का वैल्यू कहाँ शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, और सबको पता है कि इफ एन इक्वल टू 1 दैट इज कॉल्ड के सेल, एन इक्वल टू 2 एल सेल, एम सेल, एन सेल, इफ एल इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल, 1 पी 2 डी 3 एफ।
अब हमको करना क्या है कि n प्लस एल ऐड करके आपको सबसे कम लाना है। तो आप बोलिए कि n और l में से किसको सेलेक्ट किया जाए कि सबसे कम वैल्यू आएगा, बोलो। तो जाहिर है कि वन लेना होगा और l में से जीरो लेना होगा, तब ना आएगा वन, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, ये तो हुआ n प्लस एल का वैल्यू, ठीक है, और यहाँ भी आपको लिखना है। तो इस वन को यहाँ ले जाएंगे और इस जीरो के लिए क्या लिखा हुआ है, s, तो यहाँ s लिख देंगे, ठीक है। यानी कि अब वन से कम किसी का नहीं आएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वन s में ही जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट और s ऑर्बिटल। अब n इक्वल टू टू कर दीजिए, मान लो इसको टू और इसको जीरो, यानी अब वन से ज़्यादा कैसे आएगा, तो वन से ज़्यादा तो टू प्लस जीरो ही करने से आएगा ना, तो टू को फिर यहाँ लिखिए और इस जीरो के बदले में s लिख दीजिए, क्योंकि जीरो यहाँ s है। अब देखो n इक्वल टू फिर से टू लो और l का वैल्यू ये वन लो, तो जाहिर है कि थ्री आ जाएगा। देखो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है n प्लस l का वैल्यू, इंक्रीज कर रहा है ना, तो इस टू को यहाँ कर दो और इस वन के लिए यहाँ p कर देंगे, तो 1s फिर 2s, देखो 1s फिर 2s फिर 2p, आ गया आराम से। अब मान लो हम लोग यहाँ 3 प्लस 0 कर दिए, है ना, 3 प्लस 0 कर दिए, तो अब इस 3 को यहाँ कर दीजिए, है ना, इस 0 के इस 3 के, अब 3 प्लस 0 3 हो गया, इस 3 को यहाँ कर दो और 0 के लिए यहाँ s कर दिए, तो 1s 2s 2p 3s। अब यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा एक चीज़ और, n प्लस l का वैल्यू इस दोनों के लिए सिमिलर आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन मिनिमम n वाले में जाएगा, यानी कि 2p में पहले जाएगा फिर 3s में जाएगा, मिनिमम n। फिर सपोज दैट मान लो हम लोग यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, 4 हो गया, तो इस 3 को यहाँ कर देंगे 1 के लिए p कर देंगे। अब मान लो 4 प्लस 0 कर दें तो भी तो 4 आ गया, तो 4 यहाँ ले लेंगे या 0 के लिए s ले लेंगे। फिर देखो यहाँ भी n प्लस l का वैल्यू सेम आ गया, लेकिन 4s में जाएगा, 4s में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले 3p में जाएगा, क्योंकि मिनिमम n वैल्यू है हम लोग के पास। क्या वैल्यू है, मिनिमम n वैल्यू। फिर अगर मान लो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज दैट 3 प्लस 2 ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, इस 3 को यहाँ कर दो और 2 के लिए वैल्यू क्या होता है, डी, 3d। फिर मान लो हम लोग और थोड़ा बढ़ते हैं, 4 प्लस 1 कर देते हैं तो 5 आ जाएगा, तो 4 को यहाँ कर दिए, 1 के लिए क्या ले लेंगे, p, देख रहे हैं। अब ये देखो n प्लस l का वैल्यू सेम आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में कि 4d में, भाई 3d में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि मिनिमम n वैल्यू है। अब ये क्या हो गया कि ये एक ऐसा सीरीज बन जाएगा जो सीरीज को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। अब और वैल्यू जाएगा, ठीक है, अभी और वैल्यू जाने वाला है, ठीक है। देखो ऐसे ही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3। अब देखो यहाँ s है ना, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन ही डालना, 2 तो 2 ही डालना, p में 6 डालना, s में फिर 2 डालना, p में 6 फिर 2 फिर इसमें 10 इसमें 6, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी यही है। कम डाल सकते हैं, कम डाल सकते, जैसे 4p5 लिख सकते हैं, 4p3 लिख सकते हैं, 4p2 लिख सकते हैं, 4p1 लिख सकते हैं, लेकिन आप 7 यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ 11 नहीं देंगे, यहाँ 3 नहीं देंगे। अब 1s3 कोई डालेगा तो भयानक गलती है, समझ लो कि बहुत बड़ा गलती करती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, अब मान लो यहाँ 5 प्लस 0 अगर कर दिया जाए, 5 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0 5s होगा ना जी, तो 5s करने के लिए, अब देखो 1s2 2s2 2p3 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5s हो जाएगा। फिर मान लो हम लोग 4 प्लस 2 कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, नहीं 5 प्लस 1, 5 प्लस 0 अभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4p के बाद शुरू होता है 4p के बाद 5s1 शुरू होता है, ठीक है, तो 5s1 तो 5 हो ही गया, ठीक है, और 4d10 4 प्लस 2
सिक्स हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ 4D हो जाएगा सीधे। देखो 4 यहाँ से ले लेंगे और 2 यहाँ से ले लेंगे डी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का एक सीरीज बनेगा। अब उस सीरीज को आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी तो यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग फुलफिल रेडी रहेंगे। और आप लोग इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिएगा, तुरंत लाइक कीजिएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये करने के बाद बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भेजें आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स और स्टे सेफ एट होम, ठीक है। और सब लोग बने रहें मेरे वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू। जय भारत, जय हिंदुस्तान।